नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX Sure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं एल्गो क्रैप पर, आज जो स्ट्रेटजीज़ हमने लगाई हुई हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि अगर आप MT4 का यूज़ करते हैं तो ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है अगर आप हमारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। हमारे पास 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं जो एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती हैं। कुछ इंट्राडे की हैं, कुछ पोजिशनल की हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, अभी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर ट्रेड करने जाते हैं तो जो मार्जिन मनी आपको पे करना होता है वो है 1 से 1.5 लाख रुपये का, जो आजकल लग रहा है। लेकिन वहीं अगर आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल या पुट को बाय करते हैं तो आपको उतने पैसे नहीं देने होंगे। यानी कि अगर आप 40-50 हज़ार रुपये भी यूज़ करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए तो आप आराम से कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप ऑप्शन में बाय या सेलिंग करेंगे तो आपको ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा, और ऑप्शन के प्राइस हमेशा कम होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए किसी ऑप्शन की वैल्यू 200 रुपये है तो 200 से अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो है 5,000 रुपये। यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू अगर 200 रुपये चल रही है और उसका अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो वो 5,000 रुपये में आप ख़रीद सकते हैं। इस तरीके से जो ऑप्शन के बैंक निफ्टी या निफ्टी के जो ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं उसमें उनका लॉट साइज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू में आपको क्या चीज़ मिल सकती है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का ट्रेड करते हैं तो आपको देना पड़ेगा पूरा मार्जिन 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का दोस्तों यही फ़ायदा है कि वहाँ पर कम पैसे देने होते हैं और आपका ट्रेड अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर हम अपने प्लेटफॉर्म में किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि जब भी बाय का कोई सिग्नल बनता है तो हम जो कॉल होती है ऑप्शन उसको बाय करते हैं, वहीं जब सेल का सिग्नल बनता है तो हम पर्टिकुलर ऑप्शन की पुट को बाय करते हैं। क्योंकि पुट बाय करने से मार्केट में जब रेट मार्केट डाउन जाती है तो पुट के रेट बढ़ते हैं, और मार्केट जब अप जाती है तो कॉल के रेट बढ़ते हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मार्जिन देना ना पड़े। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए, वहीं अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करेंगे तो भी आपको उतना ही मार्जिन ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है जो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का लगता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ओनली बाइंग करेंगे तो आपको उतना मार्जिन नहीं देना पड़ता है, लेस मार्जिन देके आपका काम हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से आप हमारी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो व्यूअर्स हमारे वीडियोज़ देखते रहते हैं या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो पर 1-2 कमेंट किया कीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, हमारे प्लेटफॉर्म यानी एल्गो क्रैप पर जाना होगा और वहां पर अपना अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट खोलने के बाद आपको एक मेल आएगा, उस मेल को आपको कन्फर्म कर देना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका मेल इनबॉक्स में नहीं आया तो आप स्पैम मेल में जाके चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए अकाउंट ओपन के प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में अब इस वीडियो में बात करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मिलेगा डैशबोर्ड, जिस डैशबोर्ड को अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड आपको मिलेगा। वहाँ पर डैशबोर्ड में जाके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है हीट मैप के सेक्शन पर, और हीट मैप के सेक्शन पर आपको देखना है किसी भी एक स्ट्रैटेजी में क्लिक कर देना है। आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन से सिंबल हैं जो इस स्ट्रैटेजी में बेस्ट काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप अभी लिस्ट देख पा रहे हैं जिसमें गोल्ड मिनी है, गोल्ड है, निफ्टी है, अब देखिए निफ्टी में 65% की एक्यूरेसी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में मिल रही है, यानी कि इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पर 65% की एक्यूरेसी मिल रही है। अगर आप चाहते हैं निफ्टी में ट्रेड करना ऑप्शन में तो आपको किस तरीके से करना होगा दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब में, और वहाँ पर है ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ का टैब। जब आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ के टैब पे जाएंगे तो वहाँ पर सीधे हाथ पे आपको मिलेगा एक बटन जिसको लिखा होगा क्रिएट स्ट्रेटजी सिंबल। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, जिसमें मैं इंट्रामैक्स देख रहा था तो मैंने इंट्रामैक्स सेलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सिंबल सेलेक्ट करने का, सिंबल में आपको बैंक
तो सिंबल में आपको निफ्टी चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको डे चूज़ करना है। डे में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे या वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डे डालना है। अगर आप वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं डालते तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना, आपको सीधा मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मंथ डाल देना है और उसके बाद ईयर में आपको ईयर डाल देना 21। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर MIS नॉर्मल जो आपको करना है उस तरीके से कर सकते हो। निफ्टी की आपको क्वांटिटी लिख देनी है 50, और उसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट वगैरह सेलेक्ट करने हैं तो कर सकते हो। जैसे मैं टारगेट 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस ऑफ रख रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैं सेव चेंजेस करूँगा तो जैसे ही आप यहाँ पर कार्ड बनेगा तो कार्ड में आपको इस तरीके के कुछ बटन दिखाई देंगे जिसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, आपको ब्लू वाला बटन को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कोई सिंबल में नया ट्रेड आएगा तो आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपका ट्रेड हो जाएगा और उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में होगा जो एट द मनी चल रही होगी। तो ये सारा काम आसान हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने में अगर आप हमारे एल्गो क्रैब के थ्रू ये काम करते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो 6 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, फ्री ट्रायल में आप ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हमारी सर्विस को। सारी की सारी सर्विस 6 दिन के लिए फ्री मिलती है आपको। तो चलिए दोस्तों आइए प्लेटफॉर्म पे और यूज़ कीजिए 6 दिन का फ्री ट्रायल और उसके बाद हमें बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।